ग्वालियर जिले के डबरा में प्रशांत बघेल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में बताया गया कि स्थानीय कांग्रेस पार्षद के भाई ने हत्यारों को कट्टा उपलब्ध कराया था। डबरा पुलिस ने प्रशांत हत्याकांड के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवम जोशी के मोबाइल से जो वीडियो मिला है उसमें कांग्रेस पार्षद सुमित साहू का भाई प्रमोद साहू कट्टा देता हुआ दिख रहा है। हत्या के दौरान आरोपियों ने ऐसी कट्टे का वारदात में इस्तेमाल किया था। वीडियो में प्रमोद साहू ने आरोपी शिवम जोशी को कट्टा दिया था। पुलिस मामले के हत्याकांड के साथ हत्याकांड में कांग्रेस पार्षद की भूमिका की भी जांच कर रही है। दरअसल 14 दिसंबर की रात डबरा में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशांत बघेल की हत्या की गई थी। चुनावी रंजिश और फोन पर गाली गलौज को लेकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी, जिसका पुलिस प्रशासन ने खुलासा कर दिया। जवाहर कॉलोनी में अपने घर के पास खड़े प्रशांत बघेल को आरोपियों ने 3 गोली मारी थी। ये डबरा में जो एक युवक की हत्या हुई थी उसमें 5 आरोपी नामजद थे, जिसमें से एक घटना दिनांक को ही पकड़ा गया था और अन्य 4 को अगले दिन पकड़ा गया है। और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे वो भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं और अब इस प्रकरण में जो आरोपियों की गिरफ्तारी थी वो पूर्ण हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र अतिशीघ्र मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया।